गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमको कंस्ट्रक्शन करना है साइक्लॉयड का फॉर ए गिवन डायमीटर। क्वेश्चन में आपको ऐसा आएगा कि कंस्ट्रक्ट ए साइक्लॉयड फॉर ए गिवन डायमीटर। डायमीटर कुछ भी दिया रहेगा, 100 mm या कुछ भी। तो सबसे पहले आपको साइक्लॉयड क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। हमारा ये जो इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने A1Y1 करके एक्सप्लेन किए हैं सारे कर्व क्या होता है, जनरल कर्व क्या होता है, स्पेशल कर्व क्या होता है, फिर साइक्लॉयड कर्व्स क्या होता है, साइक्लॉयड फिर उसमें एक साइक्लॉयड आता है, एपिसाइक्लॉयड, हाइपोसाइक्लॉयड, सारे के बारे में 1 by 1 करके एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ भी हम थोड़ा बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं साइक्लॉयड क्या होता है। साइक्लॉयड वो होता है जब कोई जनरेटिंग सर्कल कहाँ से आएगा, गिवन डायमीटर रहेगा उससे हमारा जो सर्कल आएगा वो सर्कल किसी ये स्ट्रेट लाइन पे रोल्स करता है विदाउट स्लिपिंग, और इसके किसी भी एक फिक्स पॉइंट को हम जब ट्रेस करते हैं तो वो जो कर्व हमारा जो मिलता है उसी को बोलते हैं साइक्लॉयड। जब कोई जो हमारा जो सर्कल है वो किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन पे रोल्स कर रहा है और इसके सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट है उसको हम ट्रेस करते हैं तो वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं साइक्लॉयड। देखिए, ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ये इसका सेंटर वो है। चलिए, अगर हम सपोज कीजिए इसको 90 डिग्री में घुमाते हैं पहले, तो ये कहाँ आ जाएगा इसका जो ये, अब इसको पता है सेंटर क्या करता है, लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और इसका क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर से अगर ये 90 डिग्री घुमाए तो इसमें वाले केस में क्या आ जाएगा, ये इसका यहाँ पे देखिए एक, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, तो उस समय सी पॉइंट यहाँ पे ये है। तो देखिए क्या होता है, सेंटर वो ये यहाँ है, वो तो यहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा बीच में सेंटर, लेकिन ये पॉइंट सी वाला पॉइंट कहाँ है, घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बी पॉइंट घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में। ए पॉइंट यहाँ है वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले पे यहाँ आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वैसा ही अगर हम फिर नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए करें तो देखिए ये सेंटर यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो सेंटर था ये यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंट बी यहाँ था वो बी यहाँ पे आ जाएगा, और ये सी पॉइंट सॉरी यहाँ, ये यहाँ पे बी, यहाँ पे तो ए आ गया था ना, ये ए अब यहाँ आ जाएगा, और ये डी यहाँ था वो डी यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा ही करके प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि 80 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला 80 पॉइंट, तो हमको क्या करना है इसमें कि हमको जो पॉइंट है उसको ट्रेस करना है, कोई सा भी पॉइंट को। अगर सपोज कीजिए हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो हमारा साइक्लॉयड, चलिए मान लेते हैं हम ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं, अगर ए को कंसिडर करते हैं तो हमारा साइक्लॉयड का कर्व कैसा होगा। देखिए ये हम पूरे ए, जहाँ फिक्स पॉइंट है सी, यहाँ से पहले ए यहाँ आया था, फिर ए यहाँ आया है, यहाँ आया है, फिर ए कहीं और गया होगा, तो इसी टाइप का क्या होगा, यही साइक्लॉयड होता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट बी को ट्रेस किया होते तो कैसा दिखाई देता, अगर बी को करते यहाँ बी, फिर यहाँ बी, उसके बाद बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी को ट्रेस करेंगे नेक्स्ट साइकिल में तो बी ऐसा हो जाएगा। तो इस वाले केस में साइक्लॉयड कैसा होगा, देखिए इस वाले केस में साइक्लॉयड ऐसा टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो मतलब हम इस पॉइंट को ट्रेस करते हैं। चलिए, तो हम 1 by 1 करके प्रोसेस बताते हैं कि हम कैसे, अगर डायमीटर दिया हुआ है, ये तो ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट था, आप इसे ध्यान रखिए, बस ऐसे ही होता है साइक्लॉयड। और जब ये सर्कल एक दूसरे सर्कल पर रोटेट करता है तब उसको एपिसाइक्लॉयड बोलते हैं। ये सब हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं 1 by 1 करके प्रोसेस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी डायमीटर का हमको सर्कल दिया रहे तो उस डायमीटर का हमको सबसे पहले क्या करना है, वो सर्कल एक ड्रॉ कर लेना है। जैसे सपोज कि ये डायमीटर 100 mm दिया है तो 100 mm डायमीटर का एक सर्कल हमको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वो जितना 100 mm डायमीटर है उतना डायमीटर अगर हम पेरीमीटर निकाले उसका, तो पेरीमीटर क्या होता है, पाई डी, इतना बड़ा पेरीमीटर एक टेंजेंट हमको यहाँ से यहाँ तक, इतना ही बड़ा हमको टेंजेंट चाहिए। ठीक, तो ये टेंजेंट, भले हमारा लाइन गड़बड़ हो जा रहा है, इसको हम एकदम सीधा कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये ठीक है, ये है इसका सेंटर, सपोज कीजिए कहीं पे सी है, सी इसका सेंटर सर्कल का, डायमीटर हमको पता था तो इसका ये रेडियस, जितना बड़ा डायमीटर रेडियस ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि डायमीटर हमको पेरीमीटर पता है, हमें अब इसके बाद करना है कि ये हम टेंजेंट को दिए हैं तो इसका नाम दे देते हैं पी और ए। हमको इस जो टेंजेंट है इसको हमको 12 भाग में डिवाइड करना है, कितना भाग में, 12 भाग में। कैसे डिवाइड करेंगे 12 भाग में, जितना पेरीमीटर है उसमें 12 से भाग कर दीजिए, जो भी वन पार्ट, जो भी कुछ भी आ जाए, जैसे सपोज कीजिए जो भी आया तो वो वन पार्ट का उतना हुआ, समझ गए आप कितना होगा, तो वहाँ से एक पार्ट का आपको निकल गया। अब उसमें क्या करना है कि आपको कंपास में लेना है जितना भी है, अब उसको यूँ ऐसे रख के 12 भाग में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। उसका नेम दे देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं, 45 डिग्री पे, फिर इसको 12 भाग में डिवाइड करते हैं, फिर इसका प्रोजेक्शन देते जाते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन ऐसे देते जाते हैं तो लाइन डिवाइड हो जाता है। क्या ज़रूरत है बेफालतू का टाइम बर्बाद करने का, निहायत है बेवकूफ़ लोग, बेफालतू का टाइम बर्बाद होगा। वैसे अब हमको ऐसे ही हमको तो पता है ना कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। अब उसमें भी डिवाइड करने के लिए आपको एक पार्ट का डिवीजन का पता होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए, उससे इजीली इससे बन जा रहा है, कोई टाइम बर्बाद नहीं, ठीक। इतना कर लिए, जिसके बाद हमको पता है ये पी को ये क्या है, तो इसके बाद हमको टेंजेंट हम पता हो गया पी ए देना है। सबसे पहला एक सर्कल बनाए, दूसरा एक टेंजेंट खींचे, उसके बाद इसको 12 भाग में डिवाइड किए, ठीक। इसके बाद जैसे हम इसको किए हैं 12 भाग में डिवाइड, हमको इस सर्कल को भी 12 पार्ट में डिवाइड करना है, इस सर्कल को भी हमको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका इसमें 1 2 3 नाम दिए थे, इसका नाम देंगे 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-, ठीक। इतना काम कर लिए हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि जैसे हम यहाँ पे खींचे थे, अब इसी लाइन के पैरेलल लाइन हम सेंटर से, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। देखिए ये हमेशा 3 है ना, ये 3 के ये इसी से पास करेगा, वो हमारा जिस ये मतलब स्केल पूरा ठीक नहीं है जिसके वजह से ये ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। ये यहीं से पास करेगा, 3 यहाँ से पास करेगा। हमें क्या करना है, पहला क्या करना है कि सर्कल बनाना है, दूसरा टेंजेंट डालना है, फिर डिवाइड करना है दोनों को, फिर तीसरा ये हमको इसके पैरेलल ये लाइन बनाना है, ठीक। अब उसके बाद पहला नाम बनाने के बाद जैसे यहाँ पे ये जो 1 2 3 है, इस सब को हमको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, हमको इस सब को ऊपर क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ ऊपर तक हम प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, आपको स्केल लेके प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। हम आपको बस मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, आपको स्केल से प्रोजेक्ट करना है, उसमें आपको सबको क्लियरली दिखाई देगा। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हाँ चलिए दिख रहा है। तो आपको इसे प्रोजेक्ट करना है, फिर जैसे इसको 1 2 3 नाम दिए थे, यहाँ पे नाम दे दीजिए C1, ये 2 वाला ये है, तो C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12। आप सब लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, नहीं जहाँ दिखे वहाँ वीडियो आराम से पॉज कीजिए, फिर दोबारा से पीछे करके देखिए आराम से, ठीक है। अब यहाँ तक इतना बार्डों में आप डिवाइड कर दिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है, एक और स्टेप बचा हुआ है। तो क्या है कि जैसे अब हम 1 2 3 जितना है ना, जैसे अब इसको प्रोजेक्ट किए हैं, अब यहाँ जितना भी सर्कल पे 1 2 3 पॉइंट है, उस सबको प्रोजेक्ट करना है। देखिए 11 को प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, तो 11 और 1 वाला सेम लाइन पे आएगा, ठीक है। अब स्केल से कीजिए इसको, आराम से पूरा एकदम सीधा होगा, ठीक है। मैं हाथ से ऐसे कर रहा हूँ, 10 वाला पूरा 2 पे ही आएगा, 2 के सामने रहेगा, ठीक। 9 जो है वो 3 के सामने रहेगा, पूरे प्रोजेक्ट करके ये सेंटर लाइन जाएगा। 8 4 के इन फ्रंट ऑफ पे रहता है, ठीक। 7 5 के इन फ्रंट ऑफ में रहता है, और देखिए 6 तो अपर पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए हम इतना तक कर लिए, ठीक है। इतना तक करने के बाद हमारा क्या है कि अब हम देखिए ये मेन हमारा काम अभी स्टार्ट होगा। चलिए एक दूसरा कलर, चलिए इसी कलर से हो जाएगा। हमको एक चीज़ तो पता है ना कि चलिए इसको ऐसे रखते हैं, रेड से ही करेंगे। ये रेडियस हमको पता है कितना होगा, हमें पता है, उसको कंपास पे ले लेना है।
स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देखते रहिए तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर डाउट पूछेगा आप लोग। यहाँ से इतना ले लेना है, उसके बाद कहाँ रखना है हमको, देखिए सी वन पे रखना है और सी वन वाले लाइन को कट करना है। देखिए यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग मतलब देखिए कम लिए हैं और यहाँ से यहाँ देखिए ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन एक चारों एक साइड से ही रहेगा इसलिए आपको वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितना रेडियस है कोई भी रेडियस, रेडियस तो पूरे कॉन्स्टेंट रहेगा, वो वन वाला लाइन कौन सा है, वन वाला ये लाइन है नीचे, ये जो हमने ग्रीन ब्लू कलर से बनाया है, ब्लू से ये वाला वन है, दिख रहा है आपको वन है, तो वन डैश यहाँ पे था, ये है वन डैश, ये वन डैश यहाँ पे कटा था, टू डैश यहाँ पे कटा था, थ्री डैश यहाँ पे है, फोर डैश यहाँ पे, फिफ्थ। तो जहाँ वन वाले का जो ये रेडियस हमको डिस्टेंस इस पर कितना लेना है, रेडियस जितना रेडियस इतना ये लेना है हमको, और सी वन सेंटर पर रखना है फिक्स्ड पॉइंट, सी वन सेंटर पे रखना है फिक्स्ड पॉइंट, देखिए ये सी वन सेंटर है उसे फिक्स पॉइंट, और काटना है वन वाले को। अब ये जहाँ कटा जाए, ये वन वाला जहाँ कटा जाए, सपोज कीजिए कि यहाँ कटाया, यहाँ इतना दूरी आया तो यहाँ पे कटाया, फिर अब रखना है टू वाले पे और टू वाले लाइन को काटना है। टू वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन, रेडियस ये तो डिस्टेंस हमारा फिक्स रहेगा, टू वाले को इसे काटना है, तो ये टू वाला यहाँ कटाया, ठीक। अब सेंटर थ्री पे रखना है और काटना किसने, तीन वाले लाइन को, तीन वाला लाइन कहाँ है, यहाँ है, तीन वाले लाइन को काटना है। अब रखना है सेंटर चार पे, इस पर फोर वाली लाइन को काटना है, फोर वाला कौन है, ये, तो इसको यहाँ पे कट रहा है, सब पूछ लीजिए। अब रखना है पाँच पे और फाइव वाला लाइन काटना है, फाइव वाला कौन है, ये है, सब पूछ लीजिए यहाँ पर कटा। अब रखना है सिक्स पे और सिक्स वाला काटिएगा तो यहीं पे कटेगा बिकॉज ऑफ रेडियस, देखिए ठीक है, समझ में आया। सेम वैसा ही सेंटर सेवन पे रखना है और सेवन वाला लाइन को काटना है तो सेवन वाला का लाइन यहाँ पे कटेगा, सब पूछ लीजिए यहाँ पे कट रहा है। एट पे रखना है, एट वाला लाइन को काटना है, तो एट वाला लाइन कौन सा है, एट वाला लाइन देखिए, एट यहाँ है, देखिए सेवन वाला ये लाइन ये था तो यहाँ काटे हैं, फाइव वाला लाइन ये था, देखिए फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग ये था यहाँ काटे थे, फोर के कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो फोर वाला काटे थे। अब एट वाले को काटना है तो हम रखेंगे इसको एट पे, और रेडियस तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस इतना हमेशा एट पे रखेंगे, एट वाले लाइन को काटेंगे, एट वाला लाइन कौन है, ये वाला, देखिए मेरा उंगली देखिए लेफ्ट हैंड का ये वाला कहाँ है, ये, सपोज कीजिए कि ये यहाँ आ रहा है रेडियस। अब कैसे रखेंगे, नाइन वाले पे, और काटेंगे इसको नाइन वाले पे, नाइन वाला कौन है, नाइन वाला लाइन यही लाइन है, तो हम सपोज कीजिए कि यहाँ काटेगा। अब रखिए सपोज कीजिए टेन वाला, टेन वाला लाइन कौन सा है, टेन वाला देखिए ये वाला है, तो जब टेन पे रखेंगे टेन वाला काटेंगे। अब रखेंगे इलेवन पे, सेंटर इलेवन ये है, और रखेंगे काटेंगे किसको, इलेवन वाले पे, इलेवन वाला कौन है, ये वाला है। अब रखेंगे ट्वेल्व पे, ट्वेल्व वाले काटेंगे तो ये यहीं पर कटेगा, ठीक। अब देखिए सबका हमको कटिंग पॉइंट मिल गया, सबका कटिंग पॉइंट हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है, अब जो जहाँ जहाँ कट किया है P1 किसको यहाँ कर रहे थे, इस वाले पॉइंट को, तो सबको हम क्या करेंगे, मिला देंगे यूँ स्मूथ कर, जो कर्व है स्मूथ कर्व से हम मिला देंगे। यहाँ कहाँ कटा था, यहाँ, यहाँ कहाँ कटा था, यहाँ, यहाँ कहाँ कटा था, यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ यूँ 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 यहाँ पे आया, फिर यहाँ यूँ, देखिए यूँ स्मूथ कर्व से मिलाए हम, तो देखिए यही मेरा प्यारा सा साइक्लॉयड, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लॉयड। देखें वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, आसान है ना, कहाँ का कट किया। देखिए अगर स्टेप भूल जाइए, रिमाइंड, डिस्टेंस कितना लेना है, रेडियस इतना, ठीक, डिस्टेंस कितना लेना है, रेडियस इतना, साइक्लॉयड का कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक। अब एक आता है नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम उसके बारे में आपको बताते हैं, यहीं पे हम आपको बताते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी कर्व पे हम बता देते हैं। चलिए हम नॉर्मल टेंजेंट हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए कि आपको ये बात पूरे समझ में आया, समझ में आ गया होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बताएं। चलिए एक चीज़ तो पता होगा सब लोगों को कि जो रेडियस होता है किसी सर्कल पर, वो उसके हमेशा क्या होता है, टेंजेंट होता है। रेडियस क्या होता है, अगर ये है, ये इसका रेडियस है, ये सर्कल पर क्या है, टेंजेंट है। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, वो भी टेंजेंट है, इतना तो पता है। वो एक पॉइंट हम किसके लिए बता रहे हैं, नॉर्मल टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, उसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम ये जो हमारा सेंटर है, चलिए ब्लैक कलर से बनाएंगे, ये सपोज कीजिए हम कोई सा भी पॉइंट इस पर लेते हैं, ये साइक्लॉयड बना है, कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट सपोज कीजिए कि हम पॉइंट लिए एन, ठीक, जो एनडी भट्ट में दिया है हम वही ले रहे हैं, पॉइंट एन पॉइंट को लिए हम, ये सेंटर है हमको पता है, और रेडियस ये साइक्लॉयड इसी के ट्रेस करके बना है ये साइक्लॉयड। तो हम यहाँ से इसके सेंटर पे सपोज कीजिए कि जितना रेडियस है, जितना रेडियस है,
जो भी रेडियस आया है हम रेडियस लेके यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम कट किए, जो भी रेडियस जितना था, सपोज कीजिए कि कितना रेडियस है, देखिए रेडियस इतना है तो हम इतना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कट कर रहा है, कट किया, कैसे किया आपको पता है, किस में लेना है इसे, कंपास में, कंपास में रेडियस लेना है और यूं करके कट कर लेना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये कटिंग पॉइंट, कोई पॉइंट वो है एक वो, ठीक है, कटिंग पॉइंट कोई वो पॉइंट हमको मिला। अब हमको इस पॉइंट से क्या करना है कि ये जो ये वाला जो पार्ट था बेस, ये टेंडेंट वाला था PA, उस पर क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर डालना है। लीजिए परपेंडिकुलर डाल दिए, सपोज कीजिए पॉइंट M था, M है, चलिए यहाँ से जो रेडियस लिए हैं, यहाँ से क्या किए हैं, रेडियस से दूरी यहाँ पे एक कर दिए, ये पॉइंट N था, ये O था, ये M पॉइंट करके हम यहाँ पे हमको मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, तो ये कहाँ से क्या किए थे, ये रेडियस कोई भी पॉइंट यहाँ पे, यहाँ भी आप ले सकते हैं, सपोज ये कोई आदमी यहाँ ले रहा है, यहाँ से रेडियस है उसके इतना, वो यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे मैंने कट किया, फिर वहाँ से ये परपेंडिकुलर लिया, यहाँ से जो रेडियस लिया था ये माने एन है, ये ओ था, ये एम है, ठीक। अब क्या करेगा वो आदमी, को भी क्या मतलब जो हमको नॉर्मल खींचना है, तो ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एम पॉइंट है, एन और एम को हमको मिला देना है, एन और एम को हमको मिला देना है, लीजिए ये मिला दिए, एम एन लाइन मिला दिए, तो यही एम एन लाइन क्या होता है, नॉर्मल। ये कौन सा लाइन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमको पता है। यहाँ प्रोटेक्टर रखना है 90 डिग्री पे, और यूं करके एक टेंजेंट खींच देना है, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट, ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल और टेंजेंट कैसे खींचते हैं, यहाँ से भी देखिए सेम ऐसा ही, यहाँ से यहाँ ये लाइन को मिलाएंगे तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, और यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के ये इसका 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री ही होता है ना, 90 डिग्री खींच देंगे तो ये क्या हो गया, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक। तो साइक्लाइड को कैसे बनाते हैं और नॉर्मल और टेंजेंट कैसे डालते हैं, इस पर आपको वन बाई वन करके हम बताए हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।